गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गेट बंद कर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। यस सर। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम लोग अभी तक बात कर रहे थे बच्चों रेस्पिरेशन के बारे में। और हमने पढ़ा था थोड़ा सा रेस्पिरेशन को लेके, स्टार्ट ही किया था टॉपिक हम ये कह सकते हैं। और जहाँ पे हमने बात की थी एक बेसिक प्रोसेस की, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को आज हम लोग कंप्लीट करने की तरफ जो है वो मूव करेंगे, राइट? तो भाई इसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था बच्चा लोग, हमने बात की थी। सर आपकी वॉइस थोड़ी लो आ रही है। वॉइस लो आ रही है मेरा? अभी बेटा ठीक है? अभी कैसी है वॉइस? यस सर, लो आ रही है बस। क्लियर तो है? लो आ रही है सर, यार। क्लियर है, आ रही है बिल्कुल। अगर लो आ रही है तो एक बार बेटा एक बार अपना जो आपका जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके देखो, एक बार ट्राई करो यार, देखो जरा एक बार। ठीक है जी। सो बच्चों, अगर आपको याद हो, अगर याद हो तो हमने लास्ट क्लास में इस चार्ट को, इस पाथवे को डिस्कस किया था, राइट? और हमने वहां पे सीखा था कि जो रेस्पिरेशन था, मैंने आपको बताया था कि जो रेस्पिरेशन होता है वो दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें आपने एक नाम जो पढ़ा था उसको बोला था ब्रीदिंग, अगर आप लोगों को याद हो तो।
राइट right? और yes, जो दूसरा sir, था करेक्ट सेलुलर रेस्पिरेशन करेक्ट और जो दूसरा था हमारा वो हमने डिस्कस किया था सेल्युलर रेस्पिरेशन को बचा रोग. ठीक है जी. अब जरा थोड़ी सी ये तो मैंने आपको समझाया था कि इसका मतलब क्या होता है. सिंपली मैंने आपको कहा था कि जो ब्रीदिंग है वो आपका नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गैसेस है और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो किस तरह से सिंपलर जो सब्सटेंसेस होते हैं आपका सिंपल फूड जो होता है उसका ब्रेक डाउन होना और उसका ब्रेक डाउन होना वाय फॉर व्हाट टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल जिसको हमने नाम दिया था सेलुलर रेस्पिरेशन का. तो अल्टीमेटली सेलुलर रेस्पिरेशन जो था आपका ये क्या कर रहा था कि कोई आपका मान लीजिए कि सिंपल फूड है और इस सिंपल फूड का ब्रेक डाउन होना इस सिंपल फूड का और ज्यादा ब्रेक डाउन होना और उससे आपका फॉर्म होना किसका एनर्जी का. ये हमने सिंपली वहां पे पढ़ा था. अब जरा थोड़ी सी किताबी भाषा पे नजर मारे तो आपने क्या देखा हमने हमें क्यों चाहिए एनर्जी. सो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज यू नो लाइक एब्जॉर्प्शन हुआ ट्रांसपोर्टेशन हुआ मूवमेंट हुआ मॉलिक्यूल्स की लोकोमोशन हुआ आपका ब्रीदिंग करना हुआ रिप्रोडक्शन हुआ. इन सभी कामों को करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की. राइट सो ये एनर्जी जो इनको मिलती है बाय फूड कंज्यूम्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म. कोई भी जो ऑर्गेनिज्म फूड कंज्यूम कर रहा है उसको वहां से ये एनर्जी जो है ये मिलती है. ऑर्गेनिज्म एक्सट्रैक्ट कर रहा है अपने एनर्जी को अपने फूड मटेरियल से बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपली बाय सिंपली जो हो रहा है यहाँ पे वो क्या हो रहा है उसके फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. बच्चों आप लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एनर्जी तो पढ़ी होगी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब है बेटा मेरा यहाँ पे कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बोलो ये बात सही है. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बात है. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि जो फूड का जो हमारे ब्रेकडाउन होगा ना ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों ये एनर्जी रिलीज हो रही है बाय जब ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे फूड का. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू ब्रीद. ये जो हम यहाँ पे ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं और जो हम यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं बच्चों वो क्या कर रहे हैं हम कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है वो हमारा हो रहा है. और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए ये देखो जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है यहाँ पे इसको इनहेल करने के लिए हमें चाहिए क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है और उसके लिए ब्रीद करना बहुत जरूरी है. इसलिए हम लोग क्या करते हैं ब्रीद करते हैं. अच्छा जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो जाता है यहाँ पे आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या होगा यहाँ पे पीछे कर दें शॉर्ट 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 शॉर्ट. मैंने कहा आपको यहाँ पे एक जो बात है यहाँ पे आपको याद रखनी है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड राइट. और वो कहाँ पे हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दैट्स व्हाई That's why we need to breathe. We need to breathe. इसलिए हमें ब्रीथ करने की जरूरत होती है बच्चों ठीक है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इसके लिए राइट. ये एक बात है बच्चों जब ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड का तो आपने देखा था उस दिन भी जब ऑक्सीडेशन हुआ फूड का तो फूड सब्सटेंसेस गेट रिड्यूस टू कार्बन डाइऑक्साइड. मैंने आपको बताया था कि जब हमने एक चार्ट बनाया था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का आप लोगों ने वहां पे सीखा कि किस तरह से जो दोनों ही जगह कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा था कि दो जगह जो रिलीज हो रही थी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी और दूसरी तरफ आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी. जब आपने इथेनॉल देखा प्रोडक्शन हुआ जब आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेसिंग हुई तो दोनों ही जगह कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो रिलीज हो रही थी. तो वी और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज होती है आप लोग जानते हो कि वो आपका एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होती है. आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के जो दो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों. यूरिन सर यूरिन और सर CO2. वेरी गुड यूरिन एंड CO2. तो बच्चों ये आपकी बॉडी के दो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं राइट. मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बच्चों ये जो रिलीज हो रहे हैं आपके एक यूरिन के बारे में खैर हम लोग आगे पढ़ेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लोग यहाँ पे पढ़े रहे तो बेसिकली ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है ना तो सब्सटेंस जो है फूड जो है द फूड सब्सटेंस जो है दे गेट रिड्यूस टू कार्बन डाइऑक्साइड. इवेंचुअली जितने भी जो आपको जो 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 प्रोसेसेस हैं ये फर्स्ट की एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड सब्सटेंसेस पहले फूड सब्सटेंसेस से एनर्जी लेना. And second is exchange of gases.
दूसरा जिसको आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, इसी को हम रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। कई बच्चे डेफिनेशंस वगैरह पूछ रहे थे लास्ट क्लास में, तो वो जो डेफिनेशन है वो यहाँ से अपने अच्छे से नोट कर लें, इसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। इन दोनों में आप लोग बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, आपका जो ब्रीदिंग है और जो रेस्पिरेशन है, बहुत आसानी से आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इसके आगे जो हम बात करते हैं बच्चों, इसके आगे हमने चार्ट को डिस्कस किया था अगर आप लोगों को याद हो, और मैंने आपको बताया था कि ये जो चार्ट है बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है आपके सीबीएसई में, आपका जो एग्जाम होता है उसके अंदर बच्चों बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज पाइरूवेट में बनना, पाइरूवेट मैंने आपको बताया था, कौन बताएगा पाइरूविक एसिड का फॉर्मूला, मैंने आप लोगों को बताया था तीन कार्बन मॉलिक्यूल होता है, C3H4O3, वेरी गुड, C3H4O3, राइट। तो ये आपका पाइरूवेट होता है जो कि एक तीन कार्बन मॉलिक्यूल होता है, सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल कार्बन ग्लूकोज होता है आपका। और ये जो प्रोसेसिंग हमने बात की थी कि इसका इस मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन होना, इसको हमने क्या बोला था, ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम दिया था बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस। बच्चों ये जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेसिंग है ना, मैंने आपको बताया था कि आप इसके पूरे के पूरे लगभग लगभग 10 स्टेप्स होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, इसके कम से कम 10 स्टेप्स होते हैं बच्चों ये बनने के। अब सर जरा ये 10 स्टेप बता भी दो, तो नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ये चीज जब आप क्लास 11th में पढ़ोगे ना, और क्लास 11th में आप लोग इसको डिटेल में पढ़ोगे ये 10 के 10 स्टेप्स को, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिकली आप एक चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम है रेस्पिरेशन, और उस रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में आप इन 10 स्टेप्स को पढ़ोगे। अगर मैं इन शॉर्ट बताना चाहूं आपकी जानकारी के लिए, तो वो मैं आपको बता दूं कि इन 10 स्टेप्स में बेटा यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं, और बहुत जब तक ये जो पाइरूवेट बनता है ना, ये डायरेक्ट नहीं बनता, इस पाइरूवेट के बनने से पहले बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और बहुत से एंजाइम जो है वो इस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने में, इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल को 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले करते हैं, बहुत से एंजाइम जो है वो आप वहां पे आके पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए इंपॉर्टेंट है जैसे ये प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है वो कहाँ अकर होती है, तो क्या लिखेंगे, जो ग्लाइकोलाइसिस, करेक्ट, ये क्वेश्चन आता है आपका, करेक्ट जी। सो ग्लाइकोलाइसिस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो बच्चे बाद में ज्वाइन करेंगे या बाद में देखेंगे उनको पता होना चाहिए। तो ग्लाइकोलाइसिस अकर इन दिस साइटोप्लाज्म, ठीक है जी, इन दिस साइटोप्लाज्म। अच्छा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट में आपको लोअर ऑर्गेनिजम्स में जो है ये देखने को मिलता है। उसके अलावा इथेनॉल, इथेनॉल जो था बच्चों ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, और मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, क्या बोला था, C2H5OH, ये हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि ये जो OH है ये एक फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं सर, ये मन में सवाल आ रहा होगा, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आप पढ़ोगे, जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अपनी केमिस्ट्री का, तो वहां पे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करोगे, जिसमें से एक होगा आपका ये अल्कोहल, राइट। तो जहां पे OH लगता है, OH आता है, उसके लिए जब हम एक हाइड्रोजन हटा के ये वाला फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो OH लग जाता है बच्चों, ठीक है, वो हो गया इथेनॉल। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है यहाँ पे, एनर्जी रिलीज हो रही है, फिर हमने लैक्टिक एसिड पढ़ा था इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, और मैंने इसका एक एग्जाम्पल बताया था आपको कि लैक्टिक एसिड ज्यादातर किनकी बॉडी में क्रिएट होता है, जल्दी से बता दो, एथलीट्स की बॉडी में, जो आपके एथलीट्स होते हैं उनकी बॉडी में ज्यादा क्रिएट होता है, ये चीज आप जानते हो, बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट्स वेरी गुड। लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था, C3H6O3, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एनर्जी यहाँ भी बन रही है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो एनर्जी बनती है बच्चों वो लो अमाउंट में बनती है, ये जो एनर्जी बनती है वो लो अमाउंट में बनती है, और ये जो एनर्जी बनती है ये कैसी बनती है, ये हाई अमाउंट में बनती है। हाई अमाउंट से मेरा मतलब है बच्चों यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं। एक्चुअली एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, किस फॉर्म में निकल रही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, राइट। ये जो प्रोसेसिंग आपको देखने को मिल रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्वेश्चन आता है कि जब आपके ज्यादा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज हो रहे हैं तो प्रोसेसिंग कहां पर हो रही है, तो वो प्रोसेसिंग हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइट। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एक जहां जहां मैं क्वेश्चन लिखता हूं
वहां पे ध्यान रखना। तो ये जो प्रोसेसिंग हुई आपकी, जब पायरुवेट एरोबिक रेस्पिरेशन जब हुआ, तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और बच्चों यहाँ पर भी बहुत से प्रोसेसिंग होती है, ये भी डायरेक्ट नहीं होता, बहुत से एंजाइम बनते हैं जैसे एसिटाइल कोएल एंजाइम आपका। उसके अलावा यहाँ पे साइकिल्स पढ़ोगे आप लोग, क्रैप साइकिल हो गया, या जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। सिंपली इनका जो काम है वो क्या है कि एनर्जी का प्रोडक्शन करना, और ये एनर्जी का प्रोडक्शन एक डायरेक्ट नहीं होता, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उन स्टेप्स को आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, जब आप स्पेसिफिकली रेस्पिरेशन वाला चैप्टर आप पढ़ोगे ना, तब आप इन स्टेप्स को पढ़ोगे, आप देखोगे कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस सिंपल, जितना आसान आपको यहाँ पे दिख रही है, वो कितने आपके जो एंजाइमिनल एक्शंस की हेल्प से होती है, ये एक बात हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। अब जरा देखिए हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे इस एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, अच्छा आप लोगों को एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही रेस्पिरेशन में डिफरेंशिएट हमने किया था, हमने कम से कम दो दो तीन तीन पॉइंट्स को बच्चों डिस्कस किया था जब हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे थे, राइट। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। उसके अलावा जब एरोबिक रेस्पिरेशन को आप इस चार्ट के अंदर देखते हो, जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन को इस चार्ट में देखते हो, बिल्कुल हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट मींस कि, और जो एनारोबिक होता है वहां पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है बच्चों। रफली हम जो बात करते हैं यहाँ पे लो अमाउंट जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि 2 ATP ऑफ मॉलिक्यूल जो हमारे यहाँ पे रिलीज होते हैं, और लगभग लगभग यहाँ पे 32 ATP जो है, 38 लिखते हैं बच्चे, वो लिखते हैं। आप अगर एग्जाम में लिखना चाहो तो अभी के लिए 38 लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअली जो होते हैं ना वो 30 से 32 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। बच्चे ये चीज हम कब सीखेंगे, मैंने बताया ना आपको, जब आप इनके एक एक स्टेप्स के बारे में सीखोगे। सर ये 32 बाकी कहाँ गए, बुक में तो हमें 38 बता रहे हैं। बेटा 6 मॉलिक्यूल्स और ऐसे होते हैं एनर्जी के जो ब्रेक डाउन होते जाते हैं, क्योंकि इस एनर्जी को बनाने के लिए भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो खर्च करनी पड़ती है आपकी बॉडी के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसी में यानी कि जितने भी जो एंजाइमिनल एक्शंस हो रहे हैं, बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, जितने भी जो एंजाइमिनल एक्शंस हो रहे हैं, उन एंजाइमिनल एक्शंस के लिए, उन स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए ये जो ATP के मॉलिक्यूल्स हैं ये खर्च हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। मैं आपको भेजूंगा, एक चार्ट भेजूंगा आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए, आपके ग्रुप में सेंड कराऊंगा, और वहां पे आप देखना, आपको पता लगेगा वो सिर्फ आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला कुछ नहीं, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे वो 30 से 32 ATP मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास लास्ट में बचते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सो अब जो हम इसके अंदर देखते हैं बच्चों, हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, चलिए जी, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन, वी ऑल नो दैट कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज द मीन बाय विच बोथ जो फंगस हो गए या एनिमल्स हो गए, दे यूटिलाइज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दैट वर प्रीवियसली क्रिएटेड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। भाई आप लोगों ने पढ़ी है, ये जो प्रोसेसिंग चल रही है बच्चों, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर कंप्लीटली। अब चाहे हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें, सो दे आर मेकिंग देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वी आर डिपेंडेंट ऑन देम, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारी जो है एक चेन बनी हुई है सभी की, और इस चेन से हम लोग अपनी अपनी एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये बात तो समझते हो ना, ये बात सब समझते हैं ना। यस करेक्ट। एरोबिक रेस्पिरेशंस रिक्वायर ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन को रिक्वायर है ऑक्सीजन की, वी नो दैट, जिससे कि वो क्रिएट कर सके ATP का, अल्टीमेटली क्रिएट कर सके ATP को, बना सके, उसको ऑक्सीजन चाहिए, ATP फॉर्मेशन कर सके। करेक्ट, ATP फॉर्मेशन कर सकते, वेरी गुड। जब जो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हुए, फैट्स हुए, प्रोटीन्स हुए, ये कंज्यूम्ड होते हैं एज अ रिएक्टेंट। क्या यहाँ पर अगर मैं रिएक्टेंट के बारे में बात करूं, ये जो आप रिएक्शंस पढ़ रहे हो ना, जो प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों, हम ये भी तो कह सकते हैं बच्चों सिंपली कि जो ATP बन रहा है वो एक प्रोडक्ट बन रहा है, बोल सकते नहीं बोल सकते भाई, केमिकल रिएक्शन में दो ही चीजें पढ़ते हो आप, एक रिएक्टेंट साइड पढ़ते हो और दूसरी आप प्रोडक्ट साइड पढ़ते हो। तो बच्चों मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि अल्टीमेटली ये जो है ये एक प्रोडक्ट है, और मैं दूसरी तरफ ये कह सकता हूँ कि भाई हम जितने भी जो अपने डाइट में हम जो कार्ब्स ले रहे हैं, हम जो प्रोटीन्स को इनटेक कर रहे हैं, हम जितने भी जो फैट्स ले रहे हैं, ये सभी जो काम कर रहे हैं, ये सभी किसका काम कर रहे हैं, ये कंज्यूम हो रहे हैं एज अ रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं। सो दे प्रेफर, हाँ
मेथड ऑफ जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोल रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है आगे, उसमें पाइरुवेट बन रहा है, वो एंटर कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके बाद आगे जाके वो फुली ऑक्सीडाइज होता है। क्या हुआ, यही तो पढ़ा आपने कि आपका जो ग्लूकोज था आपके उस ग्लूकोज से क्या बना, पाइरुवेट बना, राइट, पाइरुवेट बना, और पाइरुवेट के बाद क्या हुआ, वो अंदर चला गया कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके बच्चों क्या होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है और पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है वो मॉलिक्यूल, और बच्चों एक एक साइकिल होती है जिसको हम बोलते हैं क्रैब्स साइकिल, राइट। ये क्रैब साइकिल होती है जो इसको फुली ऑक्सीडाइज कर देती है, मतलब यहां से एनर्जी निकालने में अपना रोल प्ले करती है। बच्चों ये जो क्रैब साइकिल होती है, इस क्रैब साइकिल को हम दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी देते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रैब साइकिल क्या होती है बेटा, सिट्रिक एसिड साइकल बेटा करती क्या है बेटा, अल्टीमेटली यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही है ना बच्चा, ये एनर्जी हमारी पूरी तरह से बन सके। बेटा इसके अंदर भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, अब लेकिन क्योंकि हम लोग इतना ही पढ़ते हैं यहाँ पे, ये सब ये चीजें आप एनसीईआरटी में नहीं पढ़ोगे, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं यहाँ पे। तो क्रैब साइकिल को तो खैर हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्रैब साइकिल होती क्या है, जिससे कि जब आप उसको क्लास 11th में पढ़े तो आपको बिल्कुल भी वो नया ना लगे। जैसे कि आप लोग ग्लाइकोलाइसिस वर्ड आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में, आपको नया नहीं लगेगा वो, क्योंकि आप लोग समझ चुके हो कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लूकोज का प्रोडक्शन होना, और वो कहां पे हो रहा है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। बेटा अब हम क्या है, अब बेटा यहां तक तो हम बात कर रहे हैं कि चलो ठीक है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोसेसिंग चल रही है, लेकिन बेटा यहां से आगे की तरफ जब चले गए तो बेटा ये प्रोसेसिंग कहां पे हो गई बेटा, सेल ऑर्गेनेल में हुई, माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनेल। तो अब यानी कि साइटोप्लाज्म से थोड़ा सा और डीप चले गए, हम चले गए नहीं चले गए, क्यों गए, व्हाई वी आर गोइंग मोर डीप एंड मोर डीप, बिकॉज वी हैव टू प्रोड्यूस और आवर बॉडी और आवर टिश्यूज हैव टू प्रोड्यूस, आवर सेल्स हैव टू प्रोड्यूस एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के प्रोडक्शन के लिए वो इतना डीप जाते चले जा रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, द क्रैब साइकिल जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। बच्चों अगर मैं यूकेरियोट्स के बारे में बात करूं जो कि हम हैं, यूकेरियोट्स में ये साइकिल कहां पे होती है, यूकेरियोट्स में ये साइकिल जो अकर होती है कहां पे होती है, मैट्रिक्स, आप लोगों ने रीजन पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ा होगा, याद है बच्चों, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, नंबर एक बात की ये साइकिल जो है वो अकर होती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर किसी कंपिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये साइकिल कहां पे अकर होती है यूकेरियोट्स में, तो वहां पे लिख देना। अच्छा बच्चों एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ आपके लिए, अगर मान लो आपसे प्रोकैरियोट्स का पूछ ले, प्रोकैरियोट्स में कहां पे अकर होती है ये साइकिल, तो क्या बताओगे, क्योंकि सर हमने तो प्रोकैरियोट्स में पढ़ा ही नहीं कि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, तब क्या बताओगे। तो बच्चों ध्यान रखना उन, हाँ बोलो बोलो सर, साइटोप्लाज्म ही होगा फ्रीली, हाँ साइटोसोल बोलते हैं बेटा उसको, ठीक है फ्रीली होगा, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा, मनोज, मनोज वेरी गुड। तो उसको आप इन जो मोर क्लोजली बताओगे उसको बोलोगे साइटोसोल के अंदर प्रोसेसिंग हमें देखने को मिलेगी। सवाल यहां पर ये है कि सर ये कर क्या रहा भाई, दैट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन बच्चों, फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, ये क्या है, दैट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन सर, हम केमिकल रिएक्शंस तो हम आजकल पढ़ रहे हैं, जरा बताइए कौन सी तरह की केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप बात करना चाह रहे हो भाई। वो केमिकल रिएक्शन है जो यूज होती है बाय ऑल द एरोबिक ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी में जितने भी जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे मैं यूकेरियोट्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, ये उनकी बॉडी में बनती है, ये प्रोसेसिंग होती है। और आपकी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी, स्टार्च, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन, बनती बनती किस फॉर्म में है ATP। तो बच्चों ये जो क्रैब साइकिल है, ये जितने भी जो आपके जो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं उनकी बॉडी में, ये बनाने में एटीपी बनाने में पूरी साइकिल जो अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इसके अलावा वैसे और भी कंपाउंड्स होते हैं जो मैं आपको बताऊं अगर इसमें बताना चाहूं, तो ये क्या कर रहे हैं आपके बेसिकली, जितने भी मैंने आपको बताया ना कि दैट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, नंबर एक बात, दैट इज यूज्ड बाय ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म, used by all aerobic organism, ठीक है, used by all aerobic organisms हो गए, ठीक है।
क्यों क्यों कर रहे हैं यूज, जितने भी जो आपके एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, व्हाई दे आर यूजिंग दिस? बिकॉज दे रिलीज टू स्टोर एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, क्योंकि उनको एनर्जी बनानी है, राइट? उनको एनर्जी को बनाना है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, राइट? और इनसे क्या होता है बच्चों, जब ये पूरी की पूरी प्रोसेसिंग चल रही होती है ना, अब थोड़ा सा और बता दूं, जब आप लोग लेके आए यहाँ पे तो यहां से एक और एंजाइम बनता है बच्चों। उस एंजाइम का नाम होता है, इस पूरी प्रोसेस से इस ऑक्सीडेशन से एक एंजाइम बनता है जिसको बोलते हैं एसिटाइल को एंजाइम, एसिटाइल को एंजाइम। ये जो एसिटाइल को एंजाइम होता है, ये कहां से बन रहा है? ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस चल रही है ना, जिससे एनर्जी निकल रही है, वहां से बन रहा है। और ये डिराइव होता है आपका कहां से? ये कहां से डिराइव होगा? ये डिराइव होगा इन कार्ब से, इन प्रोटीन से, इन फैट से, क्योंकि इसी से इन्हीं को तो ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज हो रही है। बोलो, ये चीज समझ आई नहीं आई? यस सर। आपने क्रैब साइकिल के बाद ये क्या बोला था, मतलब ये एंजाइम? एक मिनट को, अभी किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा आपके अलावा? सर मुझे डाउट है सर, मुझे क्रैब साइकिल का यूज समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करती है। यूज समझ नहीं आ रहा बेटा, हम अल्टीमेटली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मुझे बताओ? हम लोग पढ़ रहे हैं कि वी आर मेकिंग एनर्जी, हमारी बॉडी एनर्जी बना रही है, नंबर एक बात। बेटा हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ग्लूकोज हमारा टूटा है, ये ग्लूकोज बेटा सिंपल प्रोसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है पाइरूवेट में। कहां पे प्रोसेसिंग हो रही है? साइटोप्लाज्म में। अब हम कहां चले गए बेटा इस साइटोप्लाज्म से? क्योंकि बेटा पाइरूवेट को हम यूज कर सकते हैं क्या डायरेक्ट? क्वेश्चन बेटा मेरा, हम यूज कर सकते हैं? नो बेटा, हमारी सेल्स को जो एनर्जी चाहिए बच्चों, किस फॉर्म में चाहिए? सिंपल सिंपल एटीपी। तो बेटा ये जो एटीपी बनेगी, ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा बेटा, ये एक प्रोसेस है। मैंने क्या बोला कि ये ऐसे नहीं बनेगा, ये एक प्रोसेसिंग से बनेगा बच्चों। ये जो प्रोसेसिंग की मैं बात कर रहा हूं, उसी प्रोसेसिंग का एक पार्ट होता है क्रैब साइकिल भी। जैसे आप लोगों ने एक पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस, बेटा दूसरा होता है क्रैब साइकिल, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोला था मैंने, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये सब क्या है? ये सब एक केमिकल रिएक्शन चल रही है कॉन्टिन्यूसली। बच्चों केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ते हो आप? केमिकल रिएक्शन में सर हमने ये पढ़ा, अंकित सर ने हमें ये बताया कि एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना, जो हमारा पहले रिएक्टेंट था, उन रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट किया और उनसे हमारा नया एक प्रोडक्ट बना। बच्चों यही तो पढ़ते हो? अरे पढ़ते हो नहीं पढ़ते? यही पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो कार्ब्स है, ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो फैट्स हैं, बेटे जब इनका ब्रेकडाउन हो रहा है इन साइकिल में बच्चों, इनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन चल रही है, तो बेटा इनसे क्या बन रहा है? ये एटीपी बन रहा है। अब मुझे आप बताइए कि क्या आप किसी फैट को एटीपी कह सकते हो? क्या आप किसी प्रोटीन को एटीपी कह सकते हो? बताइए। नो सर। आप ये कहोगे कि एटीपी जो है उसका एक प्रोडक्ट है, उसकी केमिकल रिएक्शंस होती है, उनका ब्रेकडाउन होता है, तब जाके हमारी बॉडी में एटीपी निकलती है। तो बेटा ये जो क्रैब साइकिल है, ये क्रैब साइकिल उसी प्रोसेसिंग का, उसी एटीपी को बनाने का एक पार्ट है, एक पॉइंट है, एक स्टेप है, आप ये कह सकते हो। और इस क्रैब साइकिल के स्टेप्स में बहुत सारे सब स्टेप्स होते हैं जिनको आप आगे पढ़ोगे। सर उन सब स्टेप्स में क्या होता है? भाई सब स्टेप्स में एंजाइमिनल एक्शंस होता है, और वो एंजाइम जो है इनको ब्रेक करने में अपना रोल प्ले करते हैं। बोलो, आप समझ आई बात? यस सर। आ गई। यस सर। जो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम, अभी कोई पूछ रहा था मेरे से कि एसिटाइल कोएंजाइम, बेटा मैंने कहा कि एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये इन्वॉल्व होता है ज्यादातर आपकी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है ना, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है? ये आपकी बॉडी में एसिटाइल ग्रुप बनाने में अपना रोल प्ले करता है। ये क्या होते हैं एसिटाइल ग्रुप्स, ये आप आगे पढ़ोगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप्स को बताऊंगा तो आपको वो चीजें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि उनके लिए आपको बहुत से कंपाउंड्स को और भी सीखना पड़ेगा। क्या वो अलग बात है। तो अल्टीमेटली जो मेन फंक्शन है इसका, वो एसिटाइल ग्रुप बनाना अपनी क्रैब साइकिल के लिए, जिससे कि क्या होता है ऑक्सीडाइज होके ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो अल्टीमेटली जो हमारा कीवर्ड है यहाँ पे, इन जितने भी जो हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं, इनके अंदर क्या हो रहा है? आपकी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। बच्चों देखो, आप जो सिंपल रिएक्शन पढ़ते हो वो ये पढ़ते हो कि आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने रिलीज कर दी, वाटर आपने रिलीज कर दिया और हीट बना दी। बच्चों हीट क्या है यहाँ पे? ये एनर्जी ही तो है। एटीपी। एटीपी, वेरी गुड। तो ये एनर्जी ही तो हुई। बोलो, ये बात समझ आई नहीं आई? जल्दी से बता दो यार। अभी किसी ने सर बोला, किसी को शायद कुछ पूछना है, पूछो बेटा।
सर यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म, सर एक बार जरा ये वाली लाइन समझाओ कहाँ पे बेटा। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द मेन मींस बाय विच बोथ फंगस एंड एनिमल्स यूटिलाइज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट वर प्रीवियसली क्रिएटेड थ्रू फोटोसिंथेसिस। बच्चों ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने क्या पढ़े थे मुझे जल्दी से बताइए। हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं ना, तो क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे सर? कार्बन। कार्बन जैसे आपका है नहीं और, अरे देखो ना ये रिएक्शन में यही तो हो रहा है। देखो केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी हमारी बन रही है बच्चों यहाँ पे भी बिल्कुल, आपका जो ग्लूकोज है वो भी एक कार्बन की फॉर्म है बच्चों। जो पाइरूवेट बना उसके अंदर भी कार्बन है बच्चों। जो एनर्जी बन रही है जितने भी जो एंजाइम्स आपके बन रहे हैं उनकी भी जो आप सब चेन्स देखोगे वहां पे भी आपको ये मॉलिक्यूल्स है वो देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है सर, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कार्बन है या और कोई भी है? कार्बन बेसिकली जो बेटा होता है आपका मेजरली हम कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है हाँ, क्योंकि आप देखो ना कार्बन आपको हर चेन में देखने को मिलेगा। कार्बन की तो आप चेन पढ़ोगे पढ़ोगे, कार्बन के आप मोर देन 50 लाख कंपाउंड्स पढ़ोगे यार। आपकी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स हो, फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, आपको सब में कार्बन देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसेंशियल भी है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी बनती है, जो सेलुलर स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चों, जो सेल्स का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उसको बनाने में कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ। ये चार एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत जरूरी है एक लिविंग को बनाने के लिए। ठीक है जी, ये एक बात रही बच्चों। देखो जरा इसको, जरा ये रिएक्शन जैसे मैं आपको बता रहा था जो हम बात कर रहे थे क्रैब्स साइकिल के बारे में, तो भाई ग्लाइकोलाइसिस हो गया, बिल्कुल हो गया, रिएक्टेंट टूट गए, टूट गए, क्रैब्स साइकिल बन गई, बन गई। उनका जो प्रोडक्ट्स है, हाँ बेटा सर, ये एसिटाइल COA मतलब एसिटाइल कोएंजाइम, एंजाइम है बेटा। ओके सर, ओके, एसिटाइल कोएंजाइम बोलते हैं इसको। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है बेटा ये। ठीक है, ये डिराइव हो रहा है कहां से? एसिटाइल कोएंजाइम अभी पीछे बताया ना, डिराइव फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, हाँ बेसिकली डिराइव फ्रॉम कार्ब, फैट्स, वेरी गुड, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा। ठीक है, अब मतलब यहाँ से जो है ये बन रहा है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन हुआ ना, ऑक्सीडेशन हुआ इसका, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हो गया। yes, क्या बना है? ठीक है, इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है जी, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद कहां से मिला, यहां से मिला। तो बच्चों ये तीन स्टेप्स हैं, आप देखिएगा जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको इसके बारे में। अच्छा मैं एक बात बता रहा था, बात निकल गई, मैं बोल रहा था कि क्रैब साइकिल हो गई आपकी, ये बन गया। अब ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं इस प्रोसेस के, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गए, बट जो एनर्जी ट्रांसफर हुई वो कैसे हुई? वो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो एक बॉन्ड की फॉर्म में हो रही है। एनर्जी जो बन रही है, एनर्जी कैसी फॉर्म में जा रही है? एनर्जी एक बॉन्ड की फॉर्म में जा रही है बच्चों। ये बॉन्ड क्या है आपका? ATP है। एटीपी कैसे बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक प्लस उसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका एटीपी बनाता है। ठीक है, ये सारी चीजें भी बच्चों, ये जब आप पढ़ोगे ना आगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके अलावा आपके क्रैब साइकिल, आप सारे स्टेप जो है इनके वहां पे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, क्योंकि हम उन साइकिल्स को एक्चुअली, वो एक एक साइकिल आपके कई स्टेप्स की है। अब जैसे मैंने ग्लाइकोलाइसिस ही बोला, तो ग्लाइकोलाइसिस की 10 स्टेप्स है, तो वो अभी अगर मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन वो यूजफुल नहीं है, अभी फ्रूटफुल नहीं है हमारे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें नेक्स्ट सेशन में पढ़ना ही है, तो क्यों हम उसको यहाँ पे डिस्कस करें ऑलरेडी जब वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं तो। हाँ लेकिन हम कुछ पॉइंट्स को जरूर डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपको वो चीजें पता रहे और आपको याद रहे कि हाँ हमने ये पॉइंट्स जो थे लास्ट ईयर गौरव सर के साथ डिस्कस किए थे क्रैब्स साइकिल के बारे में, हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है सर के साथ डिस्कस किया था, तो हाँ डिस्कशन हम उसका यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ एंजाइम जैसे आप बनते हैं यहाँ पे आपके, जैसे NADH आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, कुछ और भी होते हैं जैसे NADH, ठीक है, NADH पर एक NADPH आप लोगों ने पढ़ा था, इसी तरह से बच्चों एक होता है FADH2। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग अपना पैकेज वगैरह पढ़े तो शायद आपको ये वर्ड्स वहां पे देखने को मिल जाएं, फिर आप मेरे से बाद में पूछे, इससे अच्छा मैं आपको पहले बता दूं। तो NADH क्या होता है आपका, इसकी फुल फॉर्म जो होती है निकोटिनामाइड, NADH
एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, उसके साथ क्या है डाइन्यूक्लियोटाइड प्लस हाइड्रोजन है साथ में, ठीक है जी। तो ये केमिकल जो है नेचुरली अकर होता है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेचुरली अकर इन द बॉडी, इन द बॉडी, बिल्कुल इन द बॉडी। तो बच्चों नेचुरली आपको कहाँ मिल रहा है, हमारी बॉडी में। किसमें रोल प्ले कर रहा है, एंड मैं बता देता हूँ फंक्शन भी, एंड प्लेज अ रोल इन द प्रोसेस दैट जनरेट एनर्जी। मैं बोल रहा हूँ कि कई एंजाइम जो हैं, कई केमिकल जो है अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे ये हैं बॉडी बन रही, जैसे FADH2 होता है, ठीक है, ये भी कब क्रिएट होता है, ये क्रिएट होता है, ये बनता है, मैं इसको कह सकता हूँ कि क्रिएट, क्रिएटेड ड्यूरिंग क्रैब साइकिल, ठीक है जी, राइट। और फिर क्या करते हैं हम इसको यूटिलाइज करते हैं, एंड यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये जब आप पढ़ेंगे ना आगे, तब आपको ये चीजें समझ आएंगी और अच्छे से। तो ये अपने सबके अलग अलग ना स्पेस होते हैं, अपने अलग सबके ना जगह होती है जहां पर ये यूज होंगे, क्योंकि सारे एंजाइम एक साथ यूज नहीं होंगे, हर एक एंजाइम जो होंगे उनका एक अपना प्लेस होगा जहां पर इनका यूज होगा, तब ये एंजाइम, तब ये केमिकल जो है ये रिलीज होंगे और अपना काम दिखाएंगे, ठीक है जी। ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियो टाइट, ठीक है, ये भी एक तरीके का डाइन्यूक्लियोटाइड है, फ्लेविन डाइन्यूक्लियोटाइड, राइट जी। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये कुछ एंजाइम्स हैं जो आप वहाँ पे ओवरऑल पढ़ते हैं उनके बारे में। तो ये जैसे कि आपको ये सिंपल जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से क्रैब साइकिल में ऑक्सीडेशन होगा, 6 हाइड्रोजन निकलेंगे, फिर 4 कार्बन निकलेंगे, 2 ATP निकलेंगे। बच्चों देख रहे हो अलग अलग तरह से ATP जो है निकलेंगे। आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लास्ट में पढ़ेंगे, इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, ये भी एक तरीके का सिस्टम होता है बेसिकली एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। मतलब क्रैब साइकिल भी होगी, ग्लाइकोलाइसिस तो हो ही रहा है पहले, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, इसके बाद क्या होगा आपका स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद क्रैब साइकिल बनेगी और लास्ट में जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बढ़े, 6 वाटर के मॉलिक्यूल, और लास्ट में आपकी जो एनर्जी निकलेगी कितनी निकलेगी, 32 ATP मॉलिक्यूल जो है एनर्जी के वो रिलीज होंगे। आप कितने पढ़ते हो, आप NCERT में शायद पढ़ रहे होंगे 38 ATP मॉलिक्यूल, बता सकते हो, अगर सपोज आपसे पूछे जाते हैं तो आप वो भी बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उस बुक के अकॉर्डिंगली, उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली, CBSE के अकॉर्डिंगली आप वहीं तक पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको वो स्टेप्स अभी नहीं बताए गए। इसलिए नहीं बताए गए क्योंकि अगर वो स्टेप्स वहां पे जोड़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें जो है उनको फिर वहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जोड़नी पड़ेंगी, और अगर वो चीजें वो वहां पे ऐड करेंगे बच्चों तो सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा। ऑलरेडी जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है आपका काफी वास्ट है, आप लोग जानते हैं ये चीज, राइट राइट। तो ये चीज सबको समझ आई बच्चों, ये किस तरह से स्टेप चल रहा है यहाँ पे, और 32 ATP जो है उनका फॉर्मेशन होता है। जल्दी से ठीक है, यस सर। हाँ बेटा सर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बेटा इसी का एक पार्ट है, इसी जो आप ये जो रिएक्शन पढ़ेंगे ना वो उसी का एक पार्ट है जिसको आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हो। सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसी के अंदर होगा आपका, बिल्कुल इसी का एक स्टेप जो आप पढ़ेंगे ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, वो इसी के अंदर आप लोग पढ़ते हैं सर। हाँ जी, एक 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 होता है जैसे फॉस्फोरिलेशन का, अभी किसने बोला था, जैसे आप ETS पढ़ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पहले आप ये TCA पढ़ रहे हो, क्रैब साइकिल।
इसी के अंदर आपका ये जो बन रहा है एक एक प्रोसेस इसी में होगा यहाँ पे पहुंचने से पहले, जिसको आप फॉस्फोरिलेशन बोलोगे। तो जो को एंजाइम आपका होगा इसके कन्वर्जन के टाइम पे एक और मॉलिक्यूल बनता है। अब एक और मॉलिक्यूल जब बनेगा उसमें, जिसको आप बोलोगे जीटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है, ये भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। ये एक मॉलिक्यूल मिलता है और इसके बाद जो वो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। ओके सर। हाँ जी सर, ये जो प्रोसेस है ये हमारी बॉडी में इसी सीक्वेंस में होती है जिसमें ऐसे लिख रखी है? बिल्कुल, ये सीक्वेंस होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ना व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मैंने अभी तक बताया नहीं आपको। तो एक ये एक्चुअली चल क्या रहा है, ये पूरा का पूरा आपका बच्चों जो चल रहा है, ये आपका सारा का सारा ये जो प्रोसेसिंग चल रही है एक तरह से मेटाबॉलिक पाथवे है। तो ये भी आपका जो इलेक्ट्रॉन मेटाबॉलिक पाथवे है, क्योंकि आप देख रहे हो कि किस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी निकल रही है, एक तरह से मेटाबॉलिक पाथवे है। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इस मेटाबॉलिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो रहा है मेटाबॉलिक पाथवे में, जिसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन जो है, या इसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर पे पास होता है। एक कैरियर से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दूसरे कैरियर पे पास होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ईटीएस जो होता है बच्चों, ईटीएस आपके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होगा। ठीक है, उसके बाद की फिर इसमें प्रोसेस, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सिट्रिक एसिड के एनएडीएच से बनना, फिर एनएडीएच आपका एंजाइम रिलीज करेगा, फिर आपका एफएडीएच2 निकलेगा। मतलब ये एक साइक्लिंग प्रोसेस है बच्चों, पूरी पूरा का पूरा। यहाँ पर भी आपके कुछ स्टेप्स फॉलो होंगे, आपके कुछ 3 से 5 स्टेप्स जो है वो फॉलो होंगे, जिसके बाद आपकी जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कंप्लीट होगा। बात समझ आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। ठीक है जी, तो ये चीज आपको समझनी है। तो यही मैं आपको इसके अंदर बता रहा था। अब नेक्स्ट जो इसमें बताऊं मैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, अब इसमें आप लोग क्या पढ़ते हो, ये चीज समझ आ गई सबको अच्छे से? यस सर। चलिए बच्चों, यही प्रोसेस अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो उनके अंदर कहां पे स्पेशली देखने को मिलेगी हमें, वही वाली पीछे। अच्छा, नॉर्मल ये वाली ब्रीदिंग वाली, वेरी गुड, राइट सर। एक हम लेंटिसेल्स भी बोलते हैं सर, वो क्या होते हैं? लेंटिसेल्स आपके एक पोरस लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। लेंटिसेल्स पोरस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर एक ना पेरिडर्म होता है, पेरिडर्म, ठीक है, पेरिडर्म रीजन होता है। तो लेंटिसेल्स आपके प्रेजेंट होते हैं स्टेम्स में, ठीक है जी, लेंटिसेल्स होते हैं स्टेम में। और लेंटिसेल्स एक तरह के आपके पोरस टिश्यूज होते हैं, जिनके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। उनके थ्रू प्लांट्स जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। आप बोलते हो ना रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो ये लेंटिसेल्स के थ्रू भी होता है, उसके अलावा स्ट्रोमेटा के थ्रू होता है, उसके अलावा रूट्स की जनरल सरफेस से होता है। सर रूट्स पर नहीं होते लेंटिसेल्स बेटा? बेसिकली जो हम ज्यादातर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो वो आपके स्टेम रीजन में आपको देखने को मिलेगी। नहीं तो हम ये बोलते हैं कि लेंटिसेल्स ऑफ रूट्स में हमें देखने को मिलेगी, तो हम उसको बोलते हैं कि ये लेंटिसेल्स इन स्टेम में आपको वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस वहां पे प्लांट्स में देखने को मिलेगी। ठीक है सर, ये ब्रीथिंग वाला रेस्पिरेशन है या फिर सेलुलर वाला? ये बेटा नॉर्मल है आपका, ये प्लांट्स में ना एक्चुअली बहुत सिंपलर होता है। जब आप प्लांट से इनका कंपैरिजन करते हो एनिमल बॉडी का, प्लांट्स में रेस्पिरेशन बहुत सिंपलर होता है देन द एनिमल्स। यहाँ जो गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहा हूं मैं, कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है, ये गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है ये चीज आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहां से हटाऊंगा इसको। गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो जैसे स्टोमेटा इन लीव से, आपके जो दूसरा हो गया लेंटिसेल्स इन स्टेम्स, और तीसरा होता है जनरल सर्फेस ऑफ द रूट से, जो हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। उसके साथ एक लाइन और लिखना सब लोग, कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन
रेस्पिरेशन इन एनिमल्स बहुत सिंपलर होता है अगर हम उसका एनिमल से कंपैरिजन करें तो. ओके तो मैं क्या बता रहा था. हाँ सो एनिमल्स जो हैं आपके, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर टू अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरमेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस. ये मेन एक हमें जो है इनमें काम देखने को मिल रहा है. अब एनिमल आप दो तरीके से देखते हो बच्चों. कुछ एनिमल्स आपके ऐसे होते हैं जो लैंड एनिमल्स होते हैं, है ना, और एक आप जैसे बोलते हो टेरिस्ट्रियल. Terrestrial animals, right? एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई है, हम आर लगाना भूल गए, सही कर देते हैं. तो आपके ये जो होते हैं terrestrial, और एक जो आप पढ़ते हो कौन से? Sir, aquatic. Aquatic, good. So the terrestrial animals and the aquatic animals. अच्छा, कभी आप लोगों ने, आप लोग जानते हैं कि इन क्या इनमें ब्रीदिंग रेट सेम होता है क्या? अगर हम बात करें तो क्या इन लोग ब्रीदिंग रेट? नो सर. ओके अच्छा, मैं आपको अगर नॉर्मल एक ह्यूमन का ब्रीदिंग रेट बताऊं ना बच्चों, नॉर्मल जो ह्यूमन का होता है, नॉर्मल ह्यूमन इन द सेंस ये नहीं कि नॉर्मल मतलब आप नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो, तो पर्सन, हां एक हेल्दी पर्सन, 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट, 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट होता है बेटा. ये पता है क्या है, आप जो नॉर्मली इनहेल कर रहे हो एक्सहेल कर रहे हो, कभी काउंट करना नॉर्मली बैठे हो तो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट होता है. ये वाली प्रोसेस एक मैं बता रहा हूँ. अब ये नहीं कि आप रनिंग करके आओ और ये रेट आपकी जो है जारी है कम से कम 40 से 50 बार और 60 से 70 बार एक मिनट में, तो कहो कि नहीं सर ने तो बोला था 12 से 16 टाइम्स होता, उसकी नहीं बता रहा मैं, नॉर्मल कंडीशन की बता रहा हूँ. तो बताओ टेरिस्ट्रियल जो होते हैं आपके जितने भी, मैंने पूछा क्या इनमें हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो एक जैसा होता है? आप कहोगे नहीं. आपको पता है कि एक सवाल आता है, क्वेश्चन आता है व्हाई aquatic organisms breathe faster than the why aquatic organism breathe faster than the terrestrial organisms. पता है आप लोगों को ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीजन का अमाउंट है वो बहुत कम होता है टेरेस्ट्रियल के मुकाबले. कहाँ पे? वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत कम होती है. वो दिल से फिल्टर करने पे भी कम ही ऑक्सीजन उन्हें मिलती है. बिल्कुल, जिस कारण से उन्हें ज्यादा ब्रीथ करना पड़ता है और पास करना. और जैसे टेरेस्ट्रियल होते हैं वो डायरेक्ट एटमोसफेयर से ले लेते हैं. करेक्ट. आप जानते हो कि जो हमारा एटमोसफेयर है उसमें किस तरह से 21% ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, राइट? और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है क्योंकि उनको डिसॉल्व्ड फॉर्म में मिलती है ऑक्सीजन, दे गेट ऑक्सीजन इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म. जब डिसॉल्व्ड फॉर्म में मिल रही है तो दूसरा जो कंसेंट्रेशन होती है, सेकंड इज चलो the concentration, very good, the concentration of oxygen is low. ठीक है, पानी के अंदर जो concentration होती है, concentration of oxygen is low in the water. ठीक है जी, water के अंदर low होती है. तो यही कुछ reason होता है जहां पे ये जो आपका aquatic organisms है वो breathe faster. आप लोगों ने देखा होगा, aquarium देखा होगा ना कभी? एक्वेरियम देखा है? एक्वेरियम देखा हो तो कभी फिशेस को देखा हो वहां पे बच्चों, आप लोगों ने क्या देखा है उसमें? क्या देखा है बच्चा लोग उसमें? तो वो कंटीन्यूअसली अपने गिल से ब्रीथ करती रहती है. करेक्ट, कंटीन्यूअसली जो है ब्रीथ करती रहती है, उनका जो माउथ है ना कंटीन्यूअसली चलता रहता है. देखा होगा कैसे पाउट बना के रखती है, देखा किसी ने? यस यस सर. और बबल्स जो है वो कंटीन्यूअसली रिलीज होते रहते हैं. Yes, sir. तो हाँ सर, मेरा डाउट है
पंप का यूज करते हैं इसलिए। हाँ बेटा पूछो। हाँ बेटा पूछो। सर डेप्थ के साथ डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल होती रहती है सर, जो डेप्थ में मैरियाना ट्रेंच के डेप्थ में मिलेगा वहाँ ऑक्सीजन बहुत ही कम होगी ना। बिल्कुल ठीक है सर। यस सर। हाँ बेटा सर आपने 12 to 16 इस टाइम सही बताया ये। अच्छा सही बताया ये। ओके जी थैंक यू। और सर नीचे जो मैरियाना ट्रेंच में हमें मिलते हैं ऑर्गेनिज्म सर, वो तो बहुत ज्यादा तेज करते होंगे ना ब्रीथ, जिससे वो जिंदा रह सके, फास्टर रहता है। और बेटा लेकिन वहां पे डेप्थ में कई ऐसे भी मिलते हैं आपको जिनके पास कंप्लीट ये जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। जैसे मैं स्पॉन्जेस की बात करूं, हेलो आवाज आ रही सबको? हाँ जैसे मैं स्पॉन्जेस की बात करूं, आप लोगों ने स्पॉन्जेस पढ़े होंगे ठीक है, तो वहां पे अब स्पॉन्जेस जो स्पॉन्जेस होते कैसे होते, दे आर सिसाइल, सिसाइल होते मतलब मूव नहीं कर सकते, उनकी बॉडी में कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। तो कई ऑर्गेनिज्म मोस्टली जो होते हैं हमें ज्यादातर डेप्थ में वही देखने को मिलते हैं ज्यादातर जो होते हैं ठीक है। उस तो सी वाटर में जो सैचुरेशन जो होती है वहां पे काफी कम होती है बच्चों। आजकल आप देख रहे होंगे कि किस तरह से कोविड के केसेस हों या लोगों को किस तरह से सैचुरेशन लेवल जो था ऑक्सीजन का कम जा रहा था, देखा था ना कि सैचुरेशन लेवल ऑक्सीजन का कम जा रहा है। तो वो ये अब वो ये तो है नहीं कि ऑक्सीजन का लेवल एटमोसफेयर में कम है, नहीं, तो लंग्स में उनके जो भी इन्फेक्शन हो उसकी वजह से वो एक जो कंप्लीट जो अमाउंट में ऑक्सीजन जानी चाहिए वो उनके बॉडी में नहीं जा पा रही लंग्स में, तो सैचुरेशन लेवल कम हो रहा है। इसी तरह से जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते रहते हैं समुद्र में, वहां पे जो सैचुरेशन लेवल होता है वो कम होता रहता है ठीक है। यस यस। अच्छा ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है ये भी तो बताओ कि डेप्थ में कम क्यों हो रही है। ये हमारी लेयर्स हो गई तो यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, सर डेंसिटी डेंसिटी कम होती है पानी से इसलिए सर ऊपर की तरफ जाती है। किसकी वजह से? गैस की। गैस की। बहुत बढ़िया। और सर हम ये बोल सकते हैं कि डेप्थ में लाइट नहीं होती जिसकी वजह से हम प्लांट्स लाइट लाइट तो बेटा नहीं पहुंचती, लाइट तो कम पहुंचती है। टेम्परेचर भी आप लोग जानते हो कि टेम्परेचर भी जैसे जैसे नीचे जाते रेस करता रहता है, है ना, उस वजह से वहां पर एक तो ये होता है बेटा। जो प्योर जो एरिएशन अगर हम कहें ना, एरिएशन यानी कि एयर का पहुंचना डेप्थ में, वो कम हो जाता है ठीक है, ये ध्यान रखना। एक तो प्रॉपर अमाउंट में जाते जाते टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो गर्म होकर वापस ऊपर आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, वो भी कम हो जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एयर भी जो है वो धीरे धीरे कम पहुंचती नीचे ठीक है, ये ध्यान। यस सर। हाँ बेटा सर जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब जो ये डायग्राम है तो हाँ। सर मतलब इसमें मतलब ये बाहर से सर मतलब वो भी नहीं बनी हुई मतलब जो बॉडी, तो सर मतलब हम मतलब जैसे पेपर में सर हम मतलब मेन नहीं बना सकते, यानी मतलब डायरेक्ट स्टार्ट बेटा ये मैं बताता हूँ कैसे आएगा। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आपको याद रखनी है बनाने की नहीं, जो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। अब बोर्ड्स में बता दूं बेटा 2019 में आया ये क्वेश्चन, 2019 का पेपर उठा के देखोगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। आपके 3 सेट बने थे और तीनों में यूरिन फॉर्मेशन भी था आपका, एक में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम था, एक में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर मिलता है किसी ना किसी सिस्टम से। कैसे आते हैं, किस तरह से पूछा जाता है वो मैं आपको पहले भी बताता चला जा रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको पीछे बताया, 2 मार्क्स का कहां से बनता है, 3 मार्क्स का कहां से बनता है वो भी मैंने आपको बताया और आगे भी बताऊंगा। अब जरा डायग्राम के लिए डायग्राम, हाँ डायग्राम के लिए बता दो ना, डायग्राम के लिए आपको कैसे बोल देते बेटा, जैसे आपको बोल दिया कि ड्रॉ द रेस्पिरेटरी आपका सिस्टम, ड्रॉ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल्ड ट्रेकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, लंग्स, लेफ्ट लंग, राइट लंग या ब्रोंकस, इस तरह से बोल दिया। और उसके बाद बोल दिया कि अब आपको इसकी फंक्शनिंग बतानी है कि आपकी ट्रेकिया का क्या फंक्शन है,
आपकी जो एल्वियोलाई है अंदर, आपको एल्वियोलाई दिखानी है, इसका क्या फंक्शन है, आपका ये जो आपका कोई मतलब अदर पार्ट बोल दिए उसका फंक्शन क्या है, दो से तीन चार पांच पार्ट्स आपसे बोल दिए, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आपका जो डायग्राम है वो आपको दे दिया और लेबलिंग आपको करनी है, और लेबलिंग करने के बाद आपको उसके फंक्शन बताने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव या फिर जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ना, ज्यादातर क्या हुआ है प्रीवियस बोर्ड्स में, आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम या तो बनाने के लिए आ गया, या फिर आपका जो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम विदाउट लेबलिंग दे दिया, और आपसे एरो पूछा गया है कि ए पार्ट क्या है, बी पार्ट क्या है, सी पार्ट क्या है, डी पार्ट क्या है, आइडेंटिफाई करो और उनके फंक्शन लिखो, ये क्वेश्चन पांच नंबर में आ गया। yes, मतलब किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन जो है बच्चों वो इस तरह से पूछे जा सकते हैं। लास्ट ईयर हाँ बेटा सर मैं तो ये पूछ रहा था, जैसे मतलब हमें बनाने को आ गया जैसे मतलब ये डायग्राम, तो हाँ? सर मतलब इसमें बाहर से बॉडी भी बनी हुई है, तो सर हाँ? मतलब ये बनानी जरूरी है या फिर मतलब मेन ही बना ना, सकते ना, 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 कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, ये तो आपके बेटा आपको अच्छी तरह से दिख सके डायग्राम, वेल लेवल दिख सके, आपको समझ आ सके, इसलिए दिखाया बेटा। अरे आप अपनी आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे ना तो उसके अंदर तो इसी तरह से है भी नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतने अच्छे से सर। यस सर, ओके सर, डायग्राम बच्चे ऐसे बना देते हैं अजीब से, फिर उनमें बस लेबलिंग करनी आती है सर, उसके नंबर मिलते हैं उन्हें। हाँ ठीक कह रहे हो बेटा। अब देखो जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि जैसे हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं, जैसे बेटा एक फ्लो चार्ट होता है कि आप जो पढ़ते हो ना, अभी सबसे ऊपर आपने क्या पढ़ा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो कैसे पहुंची। हाँ बेटा बोलो सर। पीछे वाले डायग्राम सर पूरा नहीं, पूरा नहीं है, कहाँ पे पूरा नहीं है सर, इसमें मॉड्यूल में सर इसके और पार्ट दे रखे, हम लिख देंगे, बताओ क्या है मॉड्यूल में आपके पास मॉड्यूल होगा। प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन भाई कहाँ होती है प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ये होती है प्लूरल मेम्ब्रेन, और अभी आगे मैं कराऊंगा उसको प्लूरल मेम्ब्रेन को, अभी बताऊंगा बेटा मैं आगे, ये होती है प्लूरल मेम्ब्रेन, और बताओ कौन से नहीं है, बता मेरे बच्चे जल्दी बता, शाबाश, और बता उसके अंदर होगा प्लूरल फ्लूइड। अब जब ये प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई, थैंक यू सर, इनके बीच में फ्लूइड, वेरी गुड, उनके बीच में फ्लूइड होगा जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, इसको बोलते हैं बेटा प्लूरल फ्लूइड, फ्लूइड हो गया इसके अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर कट एंड ऑफ रिब है बेटा, कट एंड ऑफ रिब बेटा, इसके अंदर अगर मैं बताऊं तो एक चेन की तरह कोई स्ट्रक्चर बना हुआ होगा तेरा, इस तरह से बनाया हुआ होगा है ना, इसको बोलते कट एंड ऑफ रिब, हाँ इसको बोलते कट एंड ऑफ रिब, अंदर की तरफ प्रेजेंट। यस सर, और बताओ डायफ्राम है, ठीक है, और बताओ इसके अंदर एक नेसल कैविटी का ऊपर जो हार्ड पार्ट होता है जो हर बार इनहेल और एक्सहेल करते हुए होता है सर, उसका नाम क्या है, हार्ड हार्ड पैलेट, जैसे हमने जैसे उसमें पढ़ा था ना हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, वैसे ये चीज आपके मेंशन नहीं है उसमें सर, बोन से बना हुआ होता है जो सेप्टम भी बोलते हैं, ना 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 सेप्टम बोलते हैं, सेप्टम एक तरह से, मैं बुक में देखा था उसमें तो सर बहुत ज्यादा लेबलिंग दे रखी थी 3D डायग्राम से, कहां पे सर, मैं कह रहा था पीछे एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस एक मिनट कहां रह गया एपिग्लोटिस, रुको जरा सर, मैंने हाँ, बुक में देखा था, ये रीजन होगा आपका, यहाँ पे एक रीजन बना हुआ होगा ये वाला जो पार्ट है, यहाँ आपका कुछ इस तरह से पार्ट बनेगा ये, ठीक है, ये आपका कुछ ऐसे दिखाया हुआ होगा आपको, ठीक है, दैट इज अ रीजन, ये आपका नीचे फिर लॉन्ग पाइप जो है ये ट्रकिया जा रहा है ये आगे की तरफ, तो ये जो आपका रीजन होता है इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, दिस इज एपिग्लॉटिस, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, दैट रीजन इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस, और मैंने आपको बताया था कि ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस में क्या डिफरेंस है और एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है, बताया था, बताइए। यस सर, चलिए ठीक है जी, ये चीज हम सर वो हाँ बेटा फूड की एंड सर वो फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है, व्हिच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप, विंड पाइप, ये हमने पढ़ा था, मैं बात कर रहा था यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अंदर तक कैसे पहुंचेगी, मैं यहाँ पे आपसे वो नाम जो था वो पूछ रहा था, तो सबसे पहला जो आप पढ़ते हो इसके अंदर नॉस्ट्रिल पढ़ते हो, आप लोग जानते हो नॉस्ट्रिल क्या होता है, ठीक है, एक ओपनिंग हो गया, इसको बोलते हैं पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम,
कि कैसे हो सकता है पैसेज उसके बारे में। भाई नॉस्ट्रिल से जब आप आगे की तरफ पढ़ोगे तो नॉस्ट्रिल के बाद होता है आपका पूरा का पूरा नेजल पैसेज, ठीक है, एक नेजल पैसेज जो है, और नेजल पैसेज के बाद जो हम जाएंगे अंदर उसको बोलते हैं नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। अभी वन बाय वन हम इन पार्ट्स को डिस्कस भी करेंगे, इसको बोलते हैं नेजल कैविटी, ठीक है जी। नेजल कैविटी के बाद जो आपका पाथवे होगा उसको बोलते हैं हम फैरिंग्स, फैरिंग्स। नाउ फैरिंग्स के बाद जो आप पढ़ते हो लैरिंग्स, फैरिंग्स का फंक्शन अभी आप पढ़ेंगे। फैरिंग्स जो होता है वो एक कॉमन पैसेज होता है फॉर द बोथ रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके पढ़ा था हमने, यस सर, याद हो तो, इसी में आपको नोटिस। हां वेरी गुड, लैरिंग्स जो होता है बच्चों उसको हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। और लैरिंग्स के बाद जो हमने पढ़ा था वो होता है आपका क्या, ट्रेकिया, जो अभी आपने देखा अभी पीछे, यस सर, फिर लंग, बिल्कुल, जो आपका एक लॉन्ग ट्यूब होता है, रफली जो इसका साइज माना जाता है लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर इसका जो है माना जाता है, हम अप्रोक्स 10 से 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसका एक लॉन्ग ट्यूब का साइज। ट्रेकिया भी मतलब ईसोफेगस की तरह काम करता है, ट्रेकिया, ट्रेकिया कवरिंग है बेटा एक तरीके से, हम एक बोल सकते हैं विंड पाइप है ये, और ईसोफेगस आपका फूड पाइप है। अच्छा विंड पाइप, हाँ ट्रेकिया आपका विंड पाइप है बेटा, ठीक है। कार्टिलेज से बना होता है ये, कार्टिलेज होती है सॉफ्ट बोन जिससे ये बनता है, कार्टिलेज से बनता है ये, ठीक है, प्लाइएबल होती है, सॉफ्ट बोन होती है, ओके। अब ट्रेकिया में पहुंच गए, उसके बाद जो आगे चलता है बेटा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आगे, उसके बाद ऊपर हो गया आपका वो चार्ट, ध्यान रखना, ठीक है, ऊपर बना रहा हूँ। ट्रेकिया के बाद जो हम जाते हैं, अब ये खुलता है लंग्स में, लंग्स के अंदर आपके प्रेजेंट होती है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ठीक है जी। ब्रोंकाई जो ओपन होती है छोटे छोटे पार्ट्स में जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, लंग्स में ब्रोंकियोल्स जो होते हैं, ब्रोंकाई या फिर सिंगुलर इसको ब्रोंकाई होता है या फिर हम इसको सिंगुलर बोलते हैं, सिंगुलर प्लुरल तो पढ़ते हो आप लोग यार, मेरे को तो इतना याद भी नहीं है अब, और आप इसको बोलते हो ब्रोंकस, हाँ साइंस के कुछ वर्ड याद है, ब्रोंकस जिसको आप बोलते हो, राइट। और ये जो ओपन होते हैं ये आगे जाके ये होते हैं आपके इसके सब पार्ट्स ब्रोंकियोल्स में, ठीक है जी, ये आपके हो गए ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स ओपन होते हैं आगे आपके एल्वियोलाई में, एंड एल्वियोलाई से क्या होता है, एल्वियोलाई से कनेक्शन होता है बच्चों किसका, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं उसको, अर्णव बेटा, ठीक है, ये हो गए आपके ब्लड कैपिलरीज। और अब ये सारे जो पार्ट्स हैं बच्चों, ये जो आपके पार्ट्स हैं किसके पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स हैं लंग्स के, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो आपका पार्ट है ये सब लंग्स के अंदर है, और यहाँ से ब्लड कैपिलरीज से ये जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है बच्चों, जो ऑक्सीजन पहुंच रही है बेसिकली, वो ऑक्सीजन जाके कहाँ पे मिल जाती है, आरबीसी में, और आरबीसी में जाके वो जाके मिल जाती है आपके आगे हीमोग्लोबिन से, यस सर, ठीक है जी। और हीमोग्लोबिन के बाद ब्रोंकियोल्स क्या था सर, ब्रोंकियोल्स, अभी सारे पढ़ रहे हैं, सारे पढ़ रहे हैं, अभी रुक जाओ, मैंने सिर्फ अभी आपको हाँ ब्रोंकियोल जो है आपके जो फर्दर डिवाइड हो रहे हैं ना ब्रोंकाई, ये जो ब्रोंकाई आगे डिवाइड हो रहे हैं, ब्रोंकाई डिवाइड हो रहे हैं किसमें, ब्रोंकियोल्स में, तो बहुत इसके अंदर जो टाइनी 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 एक इनकी कवरिंग होती है, एक सेकलाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई सेक, मैंने आपको बताया था इसके ऊपर ही प्रेजेंट होता है, हाँ मैंने बोला था सेक एक जो वर्ड आएगा, सेक जो होता है वर्ड वो एक कवरिंग के लिए होता है, इंटरनल एनाटॉमी की जब हम बात करते हैं वहां पे सेक वर्ड को डिस्कस करते हैं, तो ये एल्वियोलाई सेक के अंदर ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, और ये जो एल्वियोलाई होता है बच्चों दैट इज अ प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस सर, ये रैप होता है इंटरकोस्टल मसल से, बरे करेक्ट, ये सारा जो है रैप इंटरकोस्टल मसल होती है इनके अंदर, उनके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे। तो ये एक फ्लो चार्ट है जो हमें बता रहा है इनके बारे में, वेट नेजल कैविटी, नाउ व्हाट इज नेजल, ब्रोंकस के अंदर प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई, कौन बेटा एल्वियोलाई, यस सर, ये जो खुल रहे हैं ना, ये जो ओपन हो रहे हैं ब्रोंकाई जो खुल रहे हैं ब्रोंकियोल्स में, और एट द एंड में ये जो ब्रोंकियोल्स हैं यहाँ पे बहुत सारे टाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बलून शेप लाइक स्ट्रक्चर, और उन बलून शेप लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब्स को हम बोलते हैं एल्वियोलाई,
ठीक है। और ये जो एल्वियोलाई होती है बेटा, ये सराउंडेड होती है बाय द न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज। आप लोगों के पास एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी में लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखना आपका एक डायग्राम बना हुआ होगा, इसका बना हुआ है ना। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो तो देखना, जब भी पढ़ोगे वहां एनसीईआरटी में लिखना एल्वियोलाई को बाहर निकाल के रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है कि विच इज द साइट ऑफ प्राइमरी, विच वन इज द साइट ऑफ प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कहाँ से गैसेज एक्सचेंज हो रहा है, तो आपको ये लिखना है वहां पे एल्वियोलाई। एक बात आते हैं नेजल कैविटी पे। नेजल कैविटी जो ह्यूमन बींग्स में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला जो पार्ट है आपका, तो दो होल्स आपने देखे होंगे राइट, टू होल्स होते हैं ये, नंबर एक बात ठीक है जी। इन टू होल्स को हम क्या नाम देते हैं नेजल कैविटी के अंदर, जहां से भाई ऑक्सीजन अंदर जा रही है, वेरी गुड, जहां से ऑक्सीजन अंदर जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, इसको क्या बोलते हैं नॉस्ट्रिल। तो नॉस्ट्रिल्स, अब नॉस्ट्रिल्स बोलेंगे क्योंकि पेयर में प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट है तो नॉस्ट्रिल्स कहेंगे इसलिए उसको राइट जी। अब ये हो गए आपके नॉस्ट्रिल्स, तो नॉस्ट्रिल्स आपके हो गए दो हॉल, जहां से क्या हो रहा है O2 जो है आपकी वो ऑक्सीजन जो है वो अंदर जा रही है, और जो आपकी CO2 है वो कार्बन डाइऑक्साइड मेजरली वो बाहर आ रही है। एक बार नॉस्ट्रिल्स कहाँ पे ओपन होते हैं, ऐसा माना जाता है कि अबव बकल कैविटी, हाँ बिहाइंड द नेजल कैविटी भी हम उसको कह सकते हैं, वेरी गुड। और नेजल कैविटी जो लाई करती है, नेजल कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, अबव बकल कैविटी, अबव बकल कैविटी ठीक है जी, अबव बकल कैविटी ठीक है जी, ये लाई करती है वहां पे, ये एक बात हो गई। अब इसमें तो आप जानते हैं कि इस ये जो रीजन होते हैं आपके, ये जो दो हॉल्स होते हैं नॉस्ट्रिल्स जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, मॉइस्चर होता है थोड़ा थोड़ा, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ठीक क्या करते हैं, जिससे कि जो आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हो, इसके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, ट्रैप डस्ट ऐसे डस्ट पार्टिकल्स ले लेते हैं, तो ये हां डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, बिल्कुल स्नीज आती है, ठीक है, ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, वेरी गुड, जिससे स्नीज आती है, गुड है ना। तो जैसे ही डस्ट वगैरह जाते हैं हमारे नोज में, तो और अच्छा भी है ना, कितने सारे जो बैक्टीरियाज वगैरह होते होंगे बच्चों, जो जर्म्स होते हैं वो यहीं रुक जाते होंगे ना हेयर्स प्रेजेंट होने की वजह से, यस सर। और आपने देखा होगा कि एक म्यूकस सा बन रहा होता है, एक मॉइस्चर भी तो होती है कैविटी, उसके साथ साथ ये जो कैविटी होती है इनके अंदर जो नॉस्ट्रिल्स जो इनके अंदर जो नेजल कैविटी है ये मॉइस्ट भी होती है, थोड़ी सी नमी भी होती है इसके अंदर, बिल्कुल होती है ना जी। तो ये हमारे हमारे फेवर के लिए ही है सारी चीजें राइट। जब हम क्लीन करते हैं अपने नॉस्ट्रिल्स को, तो उसमें से एक किस तरह से जो वेस्ट हमारा बाहर आता है वो अच्छी बात है कि वो सारा वहीं पे रुक गया। सोचिए अगर ये हेयर्स ना हो, ये मॉइस्ट ना हो ऐसा, तो वो सारी सजे कितनी ज्यादा चीजें हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आगे की तरफ चली जाए, लेकिन नहीं, ये उसको वहां पे रोक लेती है, ये काम होता है इसका बेटा। उसके बाद फैरिंग्स। अच्छा नेजल कैविटी जो कहाँ ओपन होती है, ओपन होती है आगे जाके फैरिंग्स में, हमने अभी पढ़ा ना, अभी हमने जो चार्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली है ना। तो नेजल कैविटी कहाँ जा रही है, नेजल कैविटी जा रही है बेटा फैरिंग्स के अंदर, ठीक है जी, ये हमारी फैरिंग्स में। नाउ व्हाट इज फैरिंग्स, फैरिंग्स आप लोगों ने पढ़ा था, फैरिंग्स क्या होता है सर, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फॉर, यस सर, कॉमन पैसेज फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, फॉर बोथ, फॉर बोथ बेटा, यस सर, इसको थ्रोट भी कह सकते हैं, हां बिल्कुल, फॉर बोथ डाइजेस्टिव आपको बताती है कि आप कितना समझते हैं चीजों को अच्छे से। खाते खाते पीते बोलने का रीजन बहुत खतरनाक है, वो पूरा के पूरे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम से अगर रिलेट करूं तो उसको। तो कॉमन पैसेज फॉर बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और ये आगे जो लीड करता है बच्चों, ये लीड करता है आपके वॉइस बॉक्स में, लीड्स इनटू द वॉइस बॉक्स, और वॉइस बॉक्स को हमने क्या नाम दिया था, लैरिंग्स हमने बोला उसको, उस वॉइस बॉक्स को हमने नाम दिया किसका, लैरिंग्स का, ठीक है जी। ये थायरॉइड कार्टिलेजेस है, यानी एडम्स एप्पल जो होता है, कार्टिलेजेस,
यस सर, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी वॉइस क्यों चेंज हो जाती है? किससे वॉइस चेंज हो जाती है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? यस सर, वो कैसे होता है, वोकल कॉर्ड की लेंथ? हाँ भाई, आपकी जो पिच चेंज होती है ना, बेसिकली पिच की वजह से होती है सारी चीजें, और वो पिच जो उस पे जो इम्पैक्ट डालते हैं आपके, कहीं ना कहीं जो हार्मोनल चेंज होते हैं ना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, वो हार्मोन्स के बनने की वजह से उनमें इम्पैक्ट पड़ता है, उनमें चेंजेस आते हैं, जिससे आपकी पिच पे चेंज आता है और आपकी वॉइस जो है, आपने देखा होगा कि जो प्यूबर्टी के टाइम पे जो गर्ल्स होती है उनकी पतली होने लगती है वॉइस, और बॉयज जो होते हैं उनकी वॉइस हैवी होनी स्टार्ट हो जाती है। कई बार आपने फील किया होगा कि जो वॉइस होती है बीच बीच में क्रैक हो जाती है, आप कुछ बोल रहे हैं बोलते बोलते एकदम क्रैक हो गई, वो क्रैक होने का भी रीजन ये होता है कि कई बार वो बन रही होती है वो चीजें, उन हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से वो सेट हो रही होती है, तो बीच बीच में क्रैक हो रही होती है, और धीरे 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 एक स्टेज पे आके आपकी एक वॉइस सेट हो जाती है, आपकी एक वॉइस बन जाती है। एक बॉयज में अगर कहूं तो बॉयज में हैवी वॉइस सेट हो जाती है, ऐसा नहीं है कि तीन महीने में आपकी वॉइस, अरे दो महीने पहले तो ऐसा था और अब तो वाह तेरी क्या बात, बढ़िया यार। मेरा डाउट ये है, एक रात पे थोड़ी बढ़ जाता होगा, तो धीरे धीरे होता होगा ना ऐसे? और बिल्कुल धीरे धीरे होता है। अब मुझे एक बात बताओ, जो सिंगर लोग होते हैं, सिंगर होते हैं बेटा, कितना रियाज करते हैं वो, कितना रियाज करते हैं वो बताओ मुझे, करते नहीं करते? अच्छा, रियाज क्यों करते हैं वो? अब उनकी आवाज चेंज होती है, उनके सुर चेंज होते हैं रियाज से, तभी तो करते हैं वो, यानी कि वो बनाते हैं उस चीज को वो अपने तरीके से बनाते हैं जैसा उनको गाना है, राइट? कोई क्लासिकल गा रहा है तो भाई घंटों रियाज कर रहा है वो, छह छह घंटे रियाज कर रहा है कोई, है कि नहीं? तो बनाते हैं ना वो अपनी वॉइस को, चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग भी खैर हार्मोनल रोल तो अपना होता ही होता है, एक स्लो स्टेप होता है जहां पे वो चीजें सेट हो रही होती है अपनी, एक प्यूबर्टी के टाइम पे आवाज चेंज होना तो नेचुरल प्रोसेसिंग है ही है, लेकिन वो जो मैं रियाज वाली बात बता रहा हूँ, यानी कि वो भी हम सेट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली कि हमें कैसा चाहिए। यस सर। सर कार्टिलेजियस रिंग्स जो होते हैं ट्रैकिया की, सर उन पे भी इफेक्ट पड़ता है प्यूबर्टी में? उन पे तो इफेक्ट, मैं कहूँ कि चेंजेस वगैरह तो देखो, नंबर्स वगैरह बढ़ना तो ऐसा कुछ तो उसमें नहीं होगा, सिंपली उन रिंग्स का जो काम है ना आपका, कि कोई एयर ना प्रेजेंट हो उसके अंदर, वो एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, वो सपोर्ट दे रहे हैं, उसको सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं कि आसानी से एयर जो है वो पास हो जाए। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की बात कर रहे हो ना आप, वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज सिंपली वो ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, कि अगर वो कोलैप्स होगा तो क्या होगा, वॉइस ठीक से आएगी नहीं, ऐसे निकलने लगेगी, अगर वो कोलैप्स होने लगेगा तो हवा बाहर आएगी सीधा, लेकिन हवा थोड़ी आ रही है हमारी बाहर एकदम से, हवा के साथ साथ और भी चीजें आ रही हैं, तो वो उसको कोलैप्स होने से बचाता है। उसका फंक्शन पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना कि ट्रेकिया जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, तो वो प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सिंग से, कि जब कोई एयर प्रेजेंट नहीं होती, अब हर टाइम तो एयर प्रेजेंट नहीं होती, जब हम सो रहे होते हैं तब क्या है कि नहीं भाई, हर टाइम जैसे रिप्स करती है, राइट, ठीक है। तो ये इसका एक काम हुआ। उसके बाद बच्चों लेरिंग्स आ गया, लेरिंग्स का आपका वॉइस बॉक्स होता है, हियर इज अ प्रेजेंस, ये आपका डायग्राम आ गया बच्चों वो वाला जो आपके पैकेज में होगा, राइट। तो आपका लेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, कहां पे प्रेजेंट होता है, व्हिच इज लाई अबव द दिस ट्रेकिया रीजन, राइट। हाँ, और इसके अंदर आपका रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, और इसके ऊपर हो गया ये आपका एपिग्लॉटिस रीजन, और That is a simple, we can say that the flap-like structure, मैंने आपको पहले भी बताया था शायद कि एक flap-like structure जो है वो present होता है, ये जिसको हम epiglottis बोलते हैं, ठीक है? Sir, trachea तो वही है ना, windpipe? हाँ, trachea आपका windpipe हो गया बेटा, ये पूरा का पूरा जो हो गया आपका ये windpipe हो गया ये, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो हो गया। Sir, Adam's apple भी यही होता है? एडम सेपल आपका यही होगा, वॉइस बॉक्स इधर, ये इस रीजन में नीचे, यहाँ पे यू कैन ऑल्सो फील योर एडम सेपल, ठीक है जी, इस रीजन में आपका जो है वो प्रेजेंट होगा। एडम सेपल कहते हैं ना, एडम सेपल जब बन जाता है तो हाइट नहीं बढ़ती। हाँ, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वैसे ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, पता है आप लोग अपनी अच्छी एक्सरसाइज से, सर सब में नहीं होता ऐसे, सब में नहीं होता ऐसा, सब में नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो अब वो प्रोसेसिंग होती है यार अपनी,
हाइट आप पता है ऐसा मानते हैं ना कि आप 21 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ सकती लड़कों में, पता है उसके बाद भी बढ़ाते हैं बहुत लोग, बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, मैंने खुद अपनी आंखों के सामने 21 साल के बाद भी बढ़ सकती है। अरे भाई अपनी अच्छी डाइट से, अच्छा लोग ये भी तो कहते हैं, अच्छा ये भी तो मानना होता है, चलो मैं मानता हूँ जेनेटिकल फैक्टर होता है और मैं जेनेटिक्स को बहुत अच्छा मानता हूँ और मेरी फेवरेट भी है। सो जेनेटिक्स मानती है कि जो पेरेंट्स से कैरेक्टर आ रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंड है। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर फादर और मदर की हाइट छोटी है तो उनके जो यंग वन होंगे उनकी भी हाइट छोटी होगी, भाई ऐसा नहीं है। मानता हूं मैं कि जेनेटिकल रोल बहुत होता है, डीएनए का अपना रोल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप अपनी अच्छी डाइट से अपनी अच्छी एक्सरसाइज से उस चीज को रॉन्ग प्रूफ कर सकते हो। यस सर, होता भी है कई बार सर, कुछ बीमारियां भी होती है जिस कारण से हाइट बढ़ती जाती है। अरे वो ओवर वो जाइगेंटिज्म होता है, वो ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन की वजह से, हाँ ड्वार्फिज्म होता है आपका, जो लोअर प्रोडक्शन होना ग्रोथ हार्मोन का। अब किसी के पेरेंट्स बहुत टॉल हैं, मान लो कोई जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई ऐसा डिसऑर्डर हो गया जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन ठीक से रिलीज ही नहीं हुआ, अब ग्रोथ हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं हुआ तो हाइट ठीक से नहीं बढ़ी, राइट। कई लोग छेड़ाखानी करते हैं, मैंने बहुत देखा है आज से 8 साल पहले 10 साल पहले कि लोग क्या करते थे कि ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगवाते थे, ठीक है। इवन मेरे नॉन टू में ही थे, अगर मैं आपको एक कहानी बताऊं तो नॉन टू में सर, जैसे बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स, जैसे बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स लगाते हैं, राइट बिल्कुल। तो पता है उन्होंने लगवाए वो, अब उन्होंने अपने बच्चों में लगवाए तो थे वो, लेकिन उनके ना जो एक चाल थी वो बॉडी की वो अजीब सी हो गई, उनका मुंह का शेप अलग अजीब सा हो गया, मतलब हाथ पैर अजीब से बड़े हो गए, और मतलब उनको थोड़ा मेंटली भी इम्पैक्ट पड़ा, मुझे ऐसा लगा देखने में कि यार ये अजीब सा हो गया, एबनॉर्मल सा लग रहा थोड़ा सा। तो अगर आप नेचर के साथ छिड़खानी करोगे, एडिशनल कुछ चीजें देखे, तो फिर तो भैया उसका बैड इम्पैक्ट जरूर दिखेगा ही दिखेगा, राइट। और जितने भी ये जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं, अगर उनकी बात करूं तो भैया ये जो स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं लीवर पे बहुत खतरनाक इम्पैक्ट डालते हैं, ग्लैंड्स पे, इन पे लीवर पे, डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म कर देते हैं बिल्कुल ये कुछ टाइम में, और ये उसी टाइम तक के लिए रहते हैं जब तक आप वर्कआउट कर रहे हो, उसके बाद सब खत्म, जब तक आप उसको लेने बंद कर दोगे वो सब खत्म उनका इम्पैक्ट, तो ऐसा होता है। So, किसमें बेटा सर, बस उनकी बॉडी दिखती है सर, उनमें इंटरनली बिल्कुल जो कोर स्ट्रेंथ होती है उसके लिए तो आप वो चीज कर सकते हो। अच्छा कभी किसी ने देखा हो कि जो सचिन तेंदुलकर है, नाम तो सबने सुना ही होगा क्रिकेटर का, यस सर सबने सुना। अच्छा आप उनके बेटे को देखना, उनके बेटे की हाइट देखो उनसे कितनी लंबी है सर, लंबी लंबे हैं। यस सर, तो अब इसका मतलब हम ये मान ले कि अगर सचिन तेंदुलकर और उनकी जो वाइफ है उनकी हाइट छोटी तो उनके बेटे की हाइट लंबी नहीं, देखो उनसे कितनी लंबी है। अब क्यों ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अच्छे एटमोसफेयर में रहे हैं, अच्छी डाइट ली है, अच्छा वर्कआउट लिया है, स्ट्रेस फ्री लाई है लाइफ, तो देखो हाइट अच्छी निकल गई। अब ये थोड़ी है कि उनके बेटे ने कोई स्टेरॉइड लिए होंगे या हाइट ग्रोथ हार्मोन लिया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि नहीं। तो हम उस चीज को रॉन्ग प्रूफ कर सकते हैं अपनी अच्छी डाइट से, और ये आपकी ग्रोइंग एज होती है, आप जिस एज में हैं बच्चों ये आपकी ग्रोइंग एज है। कई बच्चों को हो रहा होगा कि यार मेरी हाइट तो काफी बढ़ गई, कई ऐसे भी होंगे आप लोगों में कि यार हाइट थोड़ी स्लो बढ़ रही है या धीरे बढ़ रही है, यार मैं अपनी हाइट से बहुत परेशान हूँ, यार बढ़ नहीं रही, यार मैं मोटा नहीं हो रहा, यार मैं पतला नहीं हो रहा, बहुत चीजें आप लोग फेस करते हो, ये ग्रोइंग फेज होता है, ध्यान रखना। जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं वो एक्सेप्ट करने चाहिए और आप उनके अगेंस्ट जा सकते हो। जैसे किसी को हाइट बढ़ाने में प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज करो ना, योगा करो, अच्छी डाइट लो, आप डेफिनेटली अपनी अच्छी हाइट अचीव कर सकते हो। कोई बच्चे चाहते हैं कि यार मैं मोटा नहीं हो रहा, यार मेरी हेल्थ अच्छी नहीं बन रही, अपने मेटाबॉलिज्म पे ध्यान दो ना, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म करो, कैटा और एना पे ध्यान दो, देखो कैसे नहीं सही होगा। तो ये आपका ग्रोइंग फेज होता है। कई बच्चे मैंने देखा है कि परेशान होते हैं, यार एक्ने बहुत हो गए, यार पिंपल्स हो गए, यार इतने अच्छे, यार फेस तो बिल्कुल खराब लग रहा है, ऐसे क्यों हो गया। अरे ऐसे कुछ क्रीम्स भी कर देती हैं, क्रीम्स, अरे वो छोड़ो, वो पता है वो पॉजिटिव साइन है यार, एक्ने आ रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, पॉजिटिव साइन है, उसको पॉजिटिवली लो, यानी कि आपकी बॉडी जो हॉर्मोन्स है वो सही काम कर रहे हैं, वो एक पॉजिटिव साइन है आपका। ये आपकी प्यूबर्टी रीचिंग, यू आर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, आप उस एज में पहुंच रहे हो। अगर ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो साइन यानी कि बॉडी बढ़िया काम कर रही है यार। अगर कोई बोलता भी यार तेरे एक्ने हो रहे, पिंपल, अरे तो क्या हो गया, बॉडी अच्छा काम कर रही है, पॉजिटिव साइन है, हॉर्मोन्स बढ़िया बन रहे हैं, ये तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के निशान है। ये जितने भी जो बियर्ड बनना, वॉइस चेंज होना और कितने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, एक्ने आना, पिंपल आना, दीज ऑल आर द इंडिकेशंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये उसके साइन है। तो मैंने देखी है सारी चीजें,
वॉइस हो गया, ये सारी जितनी भी बहुत सारी चीजें, खैर ये और बात है। तो ये अच्छे साइंस होते हैं। तो कहां से कहां पहुंच गई बात, एडम सैपल से कहां निकल गए हम, वापस आते हैं, नहीं तो और आगे निकल सकते हैं। लेरिंग्स की हम लोग बात कर रहे थे, और लेरिंग्स जो है आपका, जिसमें हम वोकल कॉर्ड्स भी जो है आपके इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एपिग्लॉटिस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही था, पहले भी पढ़ा था कि दैट इज अ फ्लैप लाइक कवरिंग, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बताता है कि हमारे कौन से किसको कहां जाना है, विच प्रिवेंट द बेसिकली एपिग्लॉटिस विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। जो बच्चे बाद में देखेंगे उनके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे कि उनको देखते ही समझ आ जाए कि हम क्या बात कर रहे थे। विच सर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विंड इनटू द फूड पाइप। हाँ हाँ, विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द विंड पाइप, विंड पाइप, राइट। ठीक है जी, ये एक बात हुई हमारी। उसके बाद ये आपका जो कवर कर रहा है वो भी बात हो गई हमारी सारी। ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, आपके जो यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, राइट। और वोकल कॉर्ड्स का फंक्शन आप लोग जानते ही हो, जिसने अभी हम लोग बात कर रहे थे किस तरीके से उन वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करना, वॉइस इनमें आवाज बनाना, वो काम होता है उनका वोकल कॉर्ड्स का। वोकल का मतलब होता है आपका वॉइस। तो जो भी वाइब्रेशंस आपकी रिलीज होती हैं और वो इस पे पढ़ के, आपके लिरिक्स पे पढ़ने के बाद जो वाइब्रेशन जो है वो वॉइस में कन्वर्ट होती है, वोकल्स में कन्वर्ट होती है इनसाइड द लिरिक्स। ये भी होता है ना कि हम सिर्फ सांस छोड़ते हैं, यानी सीटी लेते हैं, उसमें से सिर्फ सांस छोड़ते हैं तो उसमें से आवाज निकलते है सर, वो भी आवाज निकलते, वो भी यही काम है। बिल्कुल, वो चीज बिल्कुल ठीक है, वो भी यही है। सो आपका जो एयर पासेस है थ्रू द लैरिंग्स, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं इसमें वोकल कॉर्ड्स में, एंड देन रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो वाइब्रेशंस क्या बना रही हैं यहाँ पे, वाइब्रेशंस रिलीज हो रही हैं यहाँ से, और ये जो वाइब्रेशंस हैं ये आपके साउंड का प्रोडक्शन कर रही हैं, साउंड के प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लंग्स के अंदर आते हैं बच्चों, हम लोग जब लंग्स की बात करते हैं उसके बाद, अच्छा ट्रेकिया है अभी तो हमारा, लॉन्ग ट्रेकिया इज अ पाइप, मैंने आपको बताया था। एवरेज जो हम एक साइज की बात करते हैं यहाँ पे 10 टू 12 सेंटीमीटर एक लॉन्ग ट्यूब होती है। प्रीवियस पेज पे कर दीजिए एक मिनट, बस बेटा एक मिनट, लॉन्ग ट्यूब होती है। अच्छा अगर मैं इसके डायमीटर के बारे में बात करूँ ना, तो लगभग लगभग इसका जो डायमीटर होता है 2 to 3 सेंटीमीटर ऐसा माना जाता है इसका जो डायमीटर होता है वो इतना। ठीक है जी, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, हैव प्रेजेंट अ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज रिंग्स ऑफ ट्रैकिया। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओके, तो ये लगभग कितनी है अगर आप देखेंगे, एक तो 15 to 20 लगभग लगभग हम यहां तक इसकी बात करते हैं। गुड, तो ये एवरेजली इतनी मानी जाती है कि ये लगभग लगभग 15 to 20 राइट, 15 to 20 जो है एक रफ एस्टिमेट इसका लगाया जाता है कि इतनी जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट होती होती है, 15 to 20 जो है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसके अंदर प्रेजेंट होती है ऐसा माना जाता है। द रिंग्स प्रिवेंट द ट्रेकिया फ्रॉम द कोलैप्सिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया। रोल क्या है इसका, रोल जो है इनका रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का जो रोल है वो रोल क्या है इसका, कोलैप्सिंग से बचाना, एयर पैसेज को कोलैप्सिंग से बचाना। बिल्कुल, सो दैट रिंग्स प्रिवेंट द ट्रेकिया फ्रॉम द कोलैप्सिंग, कब बचाएगी कोलैप्सिंग से और किसको बचाएगी, किसको बचाती है कोलैप्सिंग से सर, एयर पैसेज को, सर एयर पैसेज ट्रेकिया को, सर ट्रेकिया को बचाती, ठीक है, ट्रेकिया को फ्रॉम कोलैप्सिंग, व्हेन व्हेन नो एयर, ठीक है, इज प्रेजेंट, व्हेन नो एयर इज प्रेजेंट इन इट। ठीक है जी, ये एक आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा इसका और क्या रोल हो सकता है, ये एक रोल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना, स्ट्रेंथ भी देती है, वेरी गुड, उसके साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ का मतलब हो गया यहाँ पे एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट की बात हो गई यहाँ पे, yes, sir. स्ट्रेंथ को हम बोल सकते हैं कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और उसके अलावा आपने बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल जी फ्लेक्सिबिलिटी देती है ये, जैसे कॉलन काइमा भी दोनों देता था,
आपको जैसे कॉलन काइमा भी दोनों देता था, राइट? बिल्कुल जी। सो ये काम हो गया इसका, और सर, आगे जाके जब हम इसमें देखा बेटा सर नो एयर प्रेजेंट समझ नहीं आया। जब हवा इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो सर वो कब नहीं होगी? वो कंडीशंस होती हैं, डिपेंड करता है कि जैसे आप सांस रोक लीजिए, आपने सांस रोका, अब आपके लंग्स में एयर की वॉल्यूम प्रेजेंट है लेकिन आपके ट्रेकिया में नहीं है सपोज उस टाइम पे। मान लीजिए कि आप पानी के अंदर हैं, ठीक है, आप पानी के अंदर हैं, आपके लंग्स में एयर की वॉल्यूम प्रेजेंट है, आपके लंग्स में एयर की वॉल्यूम प्रेजेंट है लेकिन आपके ट्रेकिया में नहीं है उस टाइम, ठीक है, ऐसी कंडीशन। आप जब सांस नहीं है आपका, जब आप ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे। और एक कंडीशन आती है ऐसी, बहुत बार आती है दिन में, कि जब आपके लंग्स में वॉल्यूम प्रेजेंट होती है लेकिन आपके इस पाइप में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। जब आपकी ब्रीदिंग रेट, जब आप ब्रीद रोक लेते हो, नेचुरली रुक जाती है कई बार, आप कैसी भी कंडीशन हो सकती है, जब सर जब हम रोक लेते हैं तब सांस निकलने का, जब एयर का, देखो जब आपने एक बार O2 इन किया और जब आपने CO2 आउट किया, ये एक साइकिल हो गई, ये एक रात एक एक एक, एक 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 बार हो गया ये। इसके बाद एक एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब यहाँ पे कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, कुछ सेकंड का भी बहुत छोटा भाग होता है, बहुत छोटा पॉइंट होता है उस टाइम के लिए। करेक्ट, नाउ यू गॉट माय पॉइंट। तो उस कंडीशन में लंग्स के अंदर कुछ वॉल्यूम प्रेजेंट होती है एयर की, और उस, मैं इसको आगे बताऊंगा, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, उसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इसको मैं बताऊंगा आगे कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है। सो उस टाइम पे इस पाइप में कुछ नहीं है, तो जब उस पाइप में कुछ नहीं है उसके बाद उसको बोलते हैं नो एयर प्रेजेंट, समझ आई बात? लेकिन लंग्स, लेकिन लंग्स में जरूर होती है, लेकिन एक ऑक्सीजन इन करने के बाद, CO2 आउट करने के बाद, एक्सहेल करने के बाद, इनहेल और एक्सहेल करने के बाद नॉर्मल लंग्स के अंदर जरूर वॉल्यूम प्रेजेंट होती है, और उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, बच्चों, ठीक है? ओके सर। हां, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट है, एकदम क्लियर? अच्छा, एक काम करेंगे, अब ये वाला जो पार्ट बचा है ना हमारा, इसको आज नहीं कर रहे क्योंकि इसमें लंबा टाइम लगेगा, लंग्स वाला। हाँ, क्योंकि लंग्स अब हमारा मेन पार्ट आ गया है बच्चों, और इसके अंदर मैं आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ और भी। सो अब इसमें हमारा क्या बचा है, अब हमारा इसमें मैकेनिज्म बचा है जिसको, और ये हम पूरा मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फिर जब मैं लंग्स बताऊंगा तो ये इसके साथ रिलेट करेगा। यस सर, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है जी, वॉल्यूम कैसे आएगी फिर मैं आपको बताऊंगा। yes, इसमें जब आप एक्सहेलेशन करते हो तो चेंजेस क्या क्या आते हैं बच्चों, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और देखो कितना अच्छा मैं आपके लिए डायग्राम लेके आऊं जिससे कि आप इसको आसानी से समझ सके, और चेंजेस आपको दिख रहे होंगे कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में किस तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद कुछ जो वॉल्यूम, और मैं कुछ जो वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूँ उन वॉल्यूम्स को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे वाली हमारी क्लास के अंदर। Yes, sir. So, मेरा डाउट ये था, एल्वियोलाई ज्यादा होती है सर ब्रोंकाई? भाई नंबर्स तो देखो आपके ब्रोंकाई के भी ज्यादा हो सकते हैं, ब्रोंकाई के ज्यादा होते हैं वैसे तो अगर मैं देखूं, लेकिन और स्मॉलर स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो एक स्ट्रक्चर में तुम्हें दिखाना था, कहां गया सर? यहां पे लिखा है सर बहुत ज्यादा यहां पे एल्वियोलाई बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि मैं वही स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ तुम्हें, रुको जरा। अरे यार इन्होंने वो स्ट्रक्चर ऐड नहीं किया एक्चुअली, मैं एक स्पेसिफिकली एक एल्वियोलाई का ही स्ट्रक्चर मेरे को दिखाना था, वो स्ट्रक्चर मैंने ऐड नहीं किया है, मैं दिखाऊंगा आपको तब, दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा। यस सर, ठीक है। तो इस बलून लाइक स्ट्रक्चर के नंबर्स ज्यादा क्यों होंगे भाई, सवाल ये भी तो बनता है यहाँ पे कि नंबर क्यों ज्यादा होंगे उसके। अब उसका जो कनेक्शन मैंने आपको बताया ना कि उसका कनेक्शन आगे आपकी ब्लड कैपिलरीज के साथ है। यस सर, वो आपका प्राइमरी साइड है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। अब ये चीजें ना ज्यादा होने के लिए ज्यादा होने चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आपको गैसेस एक्सचेंज करने ना वहां से, मेन काम जो वहीं से शुरू हो रहा है। ये जो आपका रीजन है ना, देखो ये खुलता चला जा रहा है आगे, ये आगे बना, फिर ये खुल गया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जिसको आपने बोला ब्रोंकाई के बाद और स्ट्रक्चर खुल गए तो ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स बन गए आपके, ब्रोंकियोल्स से आगे एल्वियोलाई में कनेक्शन हो गया। अब एक एल्वियोलाई जो आपका वो एक स्ट्रक्चर आपको, वो बड़ा सा बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, अलग स्ट्रक्चर। बुक में दे रखा है सर 30,000 होती है एवरेज ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई 350 million होती है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, क्योंकि और वो छोटा स्ट्रक्चर होता है वो और ज्यादा। आप ये समझो कि जैसे जैसे आप डीप जा रहे हो ना, साइज जो है वो छोटा होता चला जा रहा है, समझ रहे हो?
जितना ज्यादा आप डीप जाते चले जा रहे हो उतना ही जो इनका जो स्ट्रक्चर जो मैंने चार्ट बनाया था वो छोटे होते चले जा रहे हैं साइज में, ये जो आपने डिस्कस किया था यहाँ पे, ये वाला धीरे 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 हम बायोलॉजी में होते ज्यादा चले जाते तो एटम में भी पहुंच जाते हैं, पहुंचे में बिल्कुल बिल्कुल। तो ये साइज बेटा इसलिए इसलिए हम उसमें कह रहे हैं कि नंबर जो है वो उसके ज्यादा होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ क्या आज आप लोगों ने सीखा बच्चों, थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम को, क्रैब साइकिल के बारे में थोड़ा सा जानना क्या होती है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वेरियस पाथवे पढ़ा आप लोगों ने, और आपका ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है, आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में थोड़े से पार्ट्स को हमने जो अपना रोल प्ले करते हैं करने में उनके बारे में थोड़ा सा जाना। चलिए तो आज आप लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ सीखा होती है मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ, राइट? यस सर। और जो बच्चों ने पहले से कुछ पढ़ा हुआ हो, पहले से जिन बच्चों ने भी कुछ पढ़ा हुआ हो तो उन्होंने भी थोड़ा सा यहाँ पे अपना रिकॉल किया होगा, इतनी मैं उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूँ 100 ग्राम, राइट? यस सर। यस सर, तो हाँ हाँ श्योर सर, जब एयर नहीं होती ट्राकिया में तो उस टाइम पे वो कोलैप्स क्यों करती है, एक बार वो बता दीजिए। भाई कोलैप्स इसलिए करेंगी क्योंकि उसका काम क्या है, विच हमने जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, हमने क्या बोला उसको, हमने कहा ये रहा, देयर इज अ रीजन। सो हम इसको बोल रहे हैं कि यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन बोला, कि ये कोलैप्सिंग से बचाती है ट्रेकिया को। yes, जब इसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है, राइट? और जब एयर प्रेजेंट है तब तो वो स्मूथली काम कर ही रही है। सोचो अगर एक तरीके से ऐसा कुछ समझिए कि अगर हम यहां से इसको निकाल देते हैं, इस रिंग्स को निकाल देते हैं, तो ये तो पूरा का पूरा बैठ जाएगा, ये पूरा का पूरा बैठ जाएगा, तो ये सिस्टम वर्क कैसे करेगा? जो आपकी जो एयर आसानी से यहाँ पे पास हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर जा रही है और ऑक्सीजन यहाँ से अंदर आ रही है, तो फंक्शन कर ही नहीं पाएगा। यस सर, वो होल्ड करके रखता है ना उसे, होल्ड, हाँ करेक्ट। तो ये बोला ना कि मैकेनिकल सपोर्ट, होल्डिंग का मतलब क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पे, मैकेनिकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसको आप बोलते हो स्ट्रेंथ देना, उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ठीक है जी, ये बात है। इसको कॉलिन का है मैसेज हमने दिया, हां हमने रेसिडुअल वॉल्यूम जो बताया था, रेसिडुअल वॉल्यूम को बेटा आगे डील करेंगे, लेकिन जाते जाते सुनते जाओ, आपका जो O2 एक बार इन कर रहे हो, CO2 आउट कर रहे हो, उसके बाद कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके लंग्स में एयर की वॉल्यूम प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिड्यू नाम से समझो ना, बचा हुआ रेसिड्यू। सर जब ट्रैकिया में नहीं होती है। यस सर, हाँ हाँ बेटा, जब ट्रैकिया में नहीं, ठीक है बच्चों लोग, चलो बच्चों लोग आज के लिए इतना ही, आप मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, मजा आया आप लोगों के साथ, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, बाय बेटा बाय, टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय एवरीवन, थैंक यू सर, बाय। गुड इवनिंग सर।